कैसे हो गाइस। तो आज की जो मूवी है वो हॉरर मिस्ट्री मूवी है जो कि आपको 1972 में लेकर जाएगी। एक अपार्टमेंट जो कि तीसरे मंजिल में है जिसका नाम है 32 मालासाना स्ट्रीट। उसमें दो बच्चों को दिखाया गया है जो कि एक बच्चे को एक कंचा जो है एक कमरे में जाते हुए दिखाई देता है और वो उसे लेने के लिए उस कमरे में चला जाता है। तो उसे दिखाई देता है कि कुर्सी पर कोई बैठा हुआ है। तभी दूसरा भाई भी उस कमरे में चला जाता है और फिर वहां पर जो चीजें होती है वो दिखाया नहीं जाता। और फिर कहानी जाती है 4 साल बाद, और उसी अपार्टमेंट में एक छोटे से गांव से एक शख्स मालू नाको नाम का एक शख्स अपने फैमिली के साथ रहने के लिए आता है, जिसमें 6 लोग होते हैं। उसका एक बेटा जो कि 18 साल का होता है, एक बेटी होती है जो कि 19 साल की, और उससे सबसे छोटा जो कि 7 साल का एक बेटा होता है, और अपनी वाइफ और अपने डैड जो बूढ़े हो चुके होते हैं उस अपार्टमेंट में रहने लगते हैं। लेकिन तभी उनके साथ जो है बुरा वक्त शुरू हो जाता है। उसके घर में अजीबो गरीब चीजें दिखाई देना, अजीबो आवाजें आना, ये सभी चीजें जो है एक आम सी हो जाती है। धीरे धीरे उन्हें एहसास हो जाता है कि इस घर में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तभी उसका सबसे छोटा बच्चा जो है गायब हो जाता है और फिर अचानक से एक कमरे में उन्हें मिल भी जाता है। ये सभी चीजें से वो हरेशान परेशान एक लेडी के पास जाती है और वो बताती है कि उस घर में कुछ ना कुछ गड़बड़ है और उस घर को बेच कर वो दूसरी जगह चला जाए। लेकिन क्या होगा आगे ये सभी जानने के लिए आपको मूवी देखने पड़ेगी। क्या हुआ था 4 साल पहले उन दोनों बच्चों के साथ, ये सभी पहेली जो है आपको एंड में समझ में आ ही जाएगी। मूवी जो है ठीक ठाक है, लेकिन हाँ आपको उस टाइप की इंटरटेनिंग नहीं करेगी जैसे कि आप लोगों ने बाकी मूवी में देखे होंगे। चुड़ैले दिखना, बड़े बड़े दांत, या फिर कहूँ इंसानों को मारकर उसके मांसों को खाना, हवा में उड़ा कर चीर फाड़ करना, वो सभी चीजें नहीं है। नॉर्मली एक परछाई दिखना या फिर घर में आवाजें आना और अजीबो तरह की हरकतें करना, ये सभी चीजें जो है यही सभी चीजें आपको इस मूवी में देखने के लिए मिलती है। मूवी ठीक ठाक है, इंटरटेन करती है और देखने लायक है। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में।